महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। आग्रह को छोड़ना, विग्रह को छोड़ना और एक शांति का वातावरण का निर्माण करना, यह मंद कसाय का लक्षण है। जब कसाय मंद होता है, आदमी आग्रह विग्रह को समाप्त कर देता है। कम से कम धर्म के क्षेत्र में और धर्म संघ से जुड़ी हुई संस्थाओं के संबंध में यह मंद कसाय का परिचय हमें मिलना चाहिए। वहाँ तीव्र कसाय का कोई परिचय सामने नहीं आना चाहिए। बैर किसी से मत करो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अकारण तो करो ही मत, और कोई कारण हो तो भी बैर से बचने का प्रयत्न करो। बैर करना यह तीव्र कसाय का लक्षण है, और बैर से बचना मंद कसाय का लक्षण है। ये लक्षण जो बतलाए गए, हर आदमी को इस पर चिंतन करना चाहिए, और धार्मिक आदमी को तो ज़्यादा चिंतन करना चाहिए, ज़्यादा सोचना चाहिए कि कसाय मेरा तीव्र न हो, कसाय मंद रहे। कसाय जितना मंद रहेगा, अपने में शांति, परिवार में शांति, सभा संस्थाओं में शांति और राज्य संचालन में भी शांति। और कसाय तीव्र होगा, कार्य तो कम होगा, लड़ाई झगड़ा ही चलेगा, लड़ाई झगड़ा। इसलिए ये दो सूत्र, अध्यात्म के सूत्र, धर्म के सूत्र, बहुत समस्या का समाधान करने वाले हैं।